आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। प्रोग्राम हुक्मा कदीम का इंसानी सेहत पर फिक्र व फ़लसफ़ा के साथ, मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में मैं हुक्मा कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र अमराज के दफ़ा के लिए और हिफ़ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके अक़वाल जो इंतहाई हिकमत व दुनाई भरे होते हैं, और उनके मालजाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं। तो उसके साथ साथ अमराज के दफ़ा के लिए ख़ासुल ख़ास मुजरब नुस्खे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो पिछली कई नशस्तों में मैंने बहुत सारी चीज़ों का तज़किरा आपकी खिदमत में किया है। तो उस नशिस्त में, इस वीडियो में, मैं आपकी खिदमत में हुक्मा कदीम की गहरी फ़िक्र के तहत इहतलाम जो है इसके ऊपर बात करूँगा। नाज़रीन कराम, इहतलाम कहते हैं रात को सोते हुए में मादे मनिया का खारिज हो जाने को इहतलाम कहा जाता है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, तो हम आपकी खिदमत में मुख्तसर सा तज़किरा करते हैं। तो हुक्मा कदीम का कौल है कि नफ्स नातका, यानी जो नफ्स नातका है, जिस्म के अंदर जो नफ्स है उसको नातका कहा जाता है। तो नफ्स नातका लतीफ़ होने की वजह से बेदारी और नींद में, यानी दोनों हालतों में, यानी नफ्स नातका के लतीफ़ होने से, इंतहाई मदब्बर होने से की वजह से बेदारी और नींद में दोनों हालतों में अशिया अलवी और सफली तक पहुँच कर इनमें गौर व फिक्र करता रहता है। यानी नफ्स नातका जो है वो उसके अपने लतीफ़ और लताफत की वजह से वो हालत बेदारी में और हालत नींद में, दोनों सूरतों में अशिया अलवी और सफली तक पहुँच कर इनमें गौर व फिक्र करता रहता है। इसलिए नफ्स नातका व हालत ख्वाब बाज़ चीज़ों की खबर वही की तरह देता है। यानी बाज़ चीज़ों की खबर जो है वो वही की तरह देता है, जिस तरह के वही खबर देती है। एक मिसाल उन्होंने दी है, जिस तरह वही अम्बिया अलैहिस्सलाम को खबर देती थी। तो यानी इसलिए नफ्स नातका बहालते ख्वाब, यानी बहालते ख्वाब में इस तरह खबर देता है जिस तरह के वही जो है वो अम्बिया अलैहिस्सलाम को खबर दिया करती थी। तो बेदार होकर आदमी मबीना इसको इसी तरह देख लेता है, यानी जो ख्वाब में उसने देखा है उसी चीज़ को बहालते बेदारी में देख लेता है। तो जैसा इसे ख्वाब में देखा था, जैसा उसने ख्वाब में देखा था, तो कभी इंसान बेदार होकर ख्वाब के बरअक्स भी देखता है। यानी जो उसको ख्वाब आया है, उसके नफ्स ने जो उसको खबर दी है, तो कभी ऐसा होता है कि इंसान हालत ख्वाब को उसके बरअक्स देखता है। यानी वो ख्वाब में किसी चीज़ को देखता है तो बेदारी की सूरत में वो उसके बरअक्स बिल्कुल उल्टा देखता है। जैसा ख्वाब में इसको दौलत मिली है, यानी ख्वाब में उसने देखा है कि उसको दौलत मिली है, मगर बेदार होकर इसका किसी से झगड़ा हो गया है। यानी बेदार होने के बाद उसको उसका किसी दूसरे शख्स के साथ झगड़ा हो गया है। एक मिर्गी का मरीज़ ख्वाब में मिर्गी का दौड़ा पड़ता हुआ देखता है, तो इसकी तबीर ये है कि इसको मिर्गी के मरज से निजात मिल जाएगी। अगर वो ख्वाब में खुशी देखे तो इसकी तबीर है कि इसको गम मिलेगा। अगर ख्वाब में रोता हुआ देखे तो बेदारी में खुशी मिलेगी। हुक्मा का एक ग्रोह का ख्याल है कि ख्वाब मुजात अरबा की वजह से आते हैं, यानी ख्वाब मजाजात की वजह से आते हैं। तो अरबा की वजह से आते हैं, जो जिस्म के अंदर चार मिजाज हैं, मिजाज अरबा, उनकी वजह से आते हैं।
तो वो ख्वाब में आग, बिजली और इसी किस्म की दूसरी चीज़ें देखता है। अगर सदावी कुव्वत दिमाग को मुतासर करती है तो ख्वाब में तारीखी डरावनी चीज़ें देखता है। अगर जो सदावी मिजाज है, सदावी खिलत है, वो दिमाग पर हावी है तो इंसान ख्वाब में तारीखी और डरावनी चीज़ें देखता है। अगर बलगमी कुव्वत दिमाग में बरूदत पैदा करती है तो ख्वाब में नहरें, बारिश और ऐसी जैसी चीज़ें देखता है। कभी ऐसा होता है कि आशिक अपने मशहूर को अपने साथ देखता है और मुहतलम होता है। कभी एहतलाम में लिए हुए होता है, कभी तबीयत जायद मनी को खारिज कर देती है, कभी एहतलाम कुव्वत मास्का की कमज़ोरी से हो जाता है, कभी ओदिया मनी के डिले से होता है, यानी मनी के पतलापन से भी हो जाता है। तो नींद और बेदारी दोनों हालतों में कजीब से निकलती रहती है। कभी भूखा प्यासा ख्वाब में खाता और पानी पीता हुआ देखता है। तो नाज़रीन किराम, ये हुक्माए कदीम की गहरी फ़िक्र मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है कि हालत ख्वाब में इंसान की क्या सूरत हाल होती है। इस पर हुक्माए कदीम की गहरी फ़िक्र और उनकी तहरीर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। तो नाज़रीन किराम, ख़ासुल ख़ास मुजरम नुस्खा जो है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ इहतलाम को दूर करने में। तो इंतहाई सहल है और इहतलाम को दूर करने में बहुत ही कारामद है। तो इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल कीजिएगा, दुआए खैर से याद कीजिएगा। तो इस्लाम की सूरत हाल तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। तो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, ख़ासुल ख़ास मुजरब नुस्खा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपने लेना है 2 तोला संगे जराहत, 2 तोला संगे जराहत, और 2 तोला आपने लेनी है समंदर सोख। आम बाज़ार की दुकानों बाज़ार में से पंसार की दुकानों से आपको मिल जाएंगी और सस्ते दामों में मिल जाएंगी। 2 तोला आपने लेनी है समंदर सोख और 2 तोला आपने लेनी है संग जराहत, और 2 तोला आपने लेना है तालम खाना और 2 तोला आपने लेनी है लाजवंती। और ये 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों का मरकब है। तो 8 तोला आपने लेनी है मिश्री कूजा। इस सफ़ूफ को बारीक पीस लिया दस्ते में कोट छान कर मिश्री शामिल करके तो किसी डिब्बे में इस्तेमाल रखें। तो इंशाल्लाह ताला रात को सोते वक्त थोड़ा सा, यानी 3 से 4 माशा जो है वो पानी के साथ आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला इहतलाम की आदत छूट जाएगी। मुजरबुल मुजरब है, ख़ासुल ख़ास है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।